टू 60, देन 70 टू 80 और देन 90 टू 100। तो हेलो वेलकम बैक गाइस टू माई चैनल। तो कैसे हो आप सभी, होप आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई ये जो आप अपने नीचे देख रहे हो ये है बजाज पल्सर RS 200 BS3। तो समझ सकते हो मतलब कि ये अभी बहुत पुराना मॉडल होगा, आई थिंक ये 2016 या 2015 का मॉडल है ये। तो भाई तब भी इसमें, अभी मैं इसके पावर्स की बात करूं तो जब तो भाई इसमें अभी जो मेन मोटिव है थंबनेल से आप समझ रहे होंगे, तो हाँ भाई इसमें भाई ब्रेक टेस्ट ही होने वाला है इसका। क्योंकि भाई एक अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक बाइक रखते हो तो क्या उसकी ब्रेक्स अच्छे से काम करती हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी भाई पावर की मैं बात करूं तो आपको भाई 24.18 BHP की पावर और 18.10 Nm ऑफ टॉर्क कभी कुछ मिल जाता है इसमें। बाकी ये उस टाइम पे तो बहुत सस्ती आती थी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, नॉर्मल सस्ती आती थी। तो ये वाली बाइक ना मैं भाई क्या बताऊँ, मतलब कई भाइयों का करियर यूट्यूब पे इस बाइक ने ही बनाया, जैसे कि आयुष भैया भी बोलते हैं और सूरज भैया भी बोलते हैं। तो भाई ये बाइक उनके लिए बहुत लकी है, शायद भाई है लकी। तो अभी करते हैं भाई ब्रेक टेस्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। बाकी पावर इसमें ना बहुत अच्छी दी गई है आपको ये पता, और टॉर्क भी बहुत अच्छा दिया गया है। तो एक बार थोड़ा सा भगा लेते हैं। तो भाई साउंड ऐसा ही आ रहा होगा थोड़ा आपको। बाकी हम इसका स्पीड टेस्ट करने वाले हैं भाई ब्रेक टेस्ट, तो करते हैं शुरू। पहले भाई हमने लाइन तो वहाँ पे खींच दी है, पहले करेंगे हम इसका भाई 50 टू 60, देन 70 टू 80 और देन 90 टू 100। तो भाई शुरू करते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, करते हैं शुरू यार। 50 है ये। थोड़ी सी घूमी भाई, टायर स्किट बहुत हो गया, लेकिन ये 60 प्लस ही थी भाई, 63 थी अराउंड मैंने जो देखा मीटर में। तो भाई देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो भाई देख लो 18 कदम पे ये रुकी है, मतलब कि अगर आप 8 या 9 साल पहले की कंपेयरिंग करो तो उसके हिसाब से 18 कदम में, मतलब अगर 50 टू 60 चल रहे हो तो आप ये इतने कदम में रुकने वाली है। बाकी आप 70 टू 80 करते हैं, और भाई बहुत सारी चीज़ें जो मैटर करती हैं, लाइक आपका स्किल्स मैटर करती हैं, आपके टायर्स मैटर करते हैं, और आप किस कंपनी की ब्रेक यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भाई इसमें मैटर करती हैं। बाकी आप यहाँ देख लो, इसमें पहले गियर इंडिकेटर नहीं आता था, BS4 में भी नहीं था, आई थिंक BS6 में भी नहीं था, 7 में आया है उसमें इंडिकेटर। तो अभी करते हैं भाई 70 टू 80। तो भाई मतलब 8-9 साल पुरानी बाइक भी ना अभी भी इतना स्मूथ चल रही है, तो करते हैं भाई 70 टू 80। भाई ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ थी भाई बाइक, और देखा आपने कितनी हिसाब से कंट्रोल की है, बट मुझे लग रहा है कदम बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21। ज़्यादा भी नहीं था 21, अराउंड 25 मान लो, अगर मैं भक्के भी आया हूँ तो 25 मीटर्स स्पीड बहुत ज़्यादा थी भाई। बाइक में पावर ही इतनी है कि बाइक को ऐसे धकेल रहा है ना इंजन के, मतलब कितनी ज़ोर से जा रही है, इसलिए ब्रेक अप्लाई करने में भी थोड़ा सा भी डर लग रहा है कि एकदम स्किट ना हो जाए कहीं। लेकिन भाई टायर्स भी अभी इसमें थोड़े से पुराने हो गए, तो ये भी डिपेंड करता है भाई, टायर्स अच्छी ग्रिप लेंगे तो जल्दी ही गाड़ी रुकेगी। बट एक लास्ट अपना रह गया, वो भी कर लेते हैं, 90 टू 100 वाला भी लास्ट कर लेते हैं वो अपना। बट भाई सच में बाइक ना बहुत अभी भी मतलब RS ऐसे ब्रूटल चल रही है ना, ये इतनी पुरानी गाड़ी होने के बाद भी इतनी ब्रूटल चल रही है बहुत, मतलब अगर इसमें थोड़ा सा भी काम, जैसे कि थोड़ा इसके सस्पेंशन थोड़े अच्छे करा दिए जाएँ, थोड़ा ऑयलिंग वॉयलिंग, तो भाई बहुत अच्छी चल रही है। बाकी अब लास्ट अपन करते हैं, घुमाते हैं बाइक और इस बार वाइज़र खोल लेते हैं, क्योंकि भाई थोड़ा सा चलो
90 पे ही था मैं, 90 से थोड़ा कम हुआ क्योंकि भाई मैं 100 से ऊपर पार हो गया था अभी, तो अभी लास्ट है ये, देन देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. तो आप मतलब सीधे सीधे 35 मीटर मान लो कि हाँ, अगर आप 100 से ऊपर ऐसे चला रहे हो, मतलब 90 से ऊपर चला रहे हो, तो आपको 35 से 50 मीटर के बीच में आप कंट्रोल कर पाओगे। और बाकी सब डिपेंड करता है कि आप ब्रेकिंग किस हिसाब से रखते हो, ब्रेक किस हिसाब से अप्लाई करते हो। अगर आप पैनिक सिचुएशन में करोगे तो आप ज़रूर गिर जाओगे, लेकिन अगर आप नॉर्मल ब्रूटल करोगे कि हाँ भाई मुझे रोकनी है, तो आप नहीं गिरोगे। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी भाई गाड़ी अभी भी नो डाउट भाई बहुत मक्खन चल रही है, अगर ये कोई बता नहीं सकता, 8 साल 9 साल ये पुरानी बाइक है, BS3 में भाई रॉ पावर है। तो भाई होप करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी आपकी थोड़े से। तो बाकी क्या, ख़त्म करते हैं वीडियो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा, फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।